बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 7 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 5 एज वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में गिवन है एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड 4, दो एलिमेंट्स गिवन है एक सेट में। अब पहले तो हमने इसका प्रॉपर सबसेट बनाना है। टू प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे और एक इम्प्रॉपर सेट बनेगा। हम प्रॉपर सबसेट की हेडिंग डालकर एक सेट 2 का बनाएंगे और एक सेट 4 का बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल सेट में एलिमेंट ही सिर्फ 2 हैं और हमने सेट भी 2 ही बनाने हैं। तो एक सेट 2 का बन जाएगा, एक सेट 4 का बन जाएगा। ओरिजिनल सेट का एक एलिमेंट आ गया 2 कर्ली ब्रैकेट में, एक एलिमेंट आ गया 4, प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो हमारे ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स होते हैं और जो दूसरा सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो जो हमारा ओरिजिनल सेट है x इज इक्वल्स टू 2, 4, वही हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये होती है, इम्प्रॉपर सबसेट में वो एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो हमारे ओरिजिनल सेट में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 4। पहले तो हमने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जब हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो लेस देन 4 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से आ जाएंगे? 2 एंड 3। हमने अपने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना था और प्राइम नंबर्स लिखने थे उसमें लेस देन 4। तो लेस देन 4 जो हमारे पास प्राइम नंबर्स आ जाएंगे वो कौन से होंगे? 2 एंड 3। कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे उनको, बीच में कॉमा यूज़ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्रॉपर सबसेट में पहले हमने 2 सेट बनाने थे, तो हमने एक सेट बनाया उसमें हमने 2 लिख दिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओरिजिनल सेट में 2 और 3 मौजूद है और प्रॉपर सबसेट के भी एक सेट में 2 मौजूद है। कॉमा लगाकर हम जब दूसरा सेट बनाएंगे तो हमने 2 तो ऑलरेडी लिख लिया, अब हम दूसरा सेट किसका बनाएंगे? 3 का बना देंगे। और हमारे ओरिजिनल सेट में भी 3 मौजूद है और जो हमने नीचे प्रॉपर सबसेट बनाया है उसमें भी 3 मौजूद है। तो इस तरह से 2 प्रॉपर सबसेट हो गए। अब जब हमने इम्प्रॉपर सबसेट बनाना था तो वो हमने एक ही बनाना था। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इसमें ओरिजिनल सेट के एलिमेंट्स और दूसरा सेट के एलिमेंट्स क्या हों? सेम हों, और वो हमने बनाना भी सिर्फ एक ही है। तो जो हमारे पास ओरिजिनल सेट गिवन है वही हमारा क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो।